हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास फाइव इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर टू स्नेक चार्मर्स स्टोरी तो चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी आरनाथ इज अ स्मॉल बॉय हु वाज अ कालबेलिया। आरनाथ नाम का एक स्मॉल बॉय था छोटा लड़का था जो कि क्या था कालबेलिया तो कालबेलिया क्या है कालबेलिया एक कम्युनिटी है एक ट्राइबल कम्युनिटी तो आरनाथ इसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता था कालबेलियाज आर द स्नेक चार्मर्स दे नो हाउ टू प्ले बीन विच इज अ फैमिली आर्ट फॉर देम तो कालबेलियाज कौन होते हैं कालबेलिया जो होते हैं वो स्नेक चार्मर्स होते हैं यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सपेरा तो कालबेलिया कौन थे सपेरा होते हैं एंड दे नो हाउ टू प्ले बीन उनको एक चीज आती है जिसे बोलते हैं बीन बजाना ठीक है आप देख रहे हैं यहां पर ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है ये क्या है? बीन है तो ये इसको बजाना जानते हैं विच इज अ फैमिली आर्ट फॉर देम और उनके लिए वो क्या है फैमिली आर्ट तो फैमिली आर्ट का मतलब ये होता है कि वो इसको कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में किसी कॉलेज जाकर नहीं सीखते हैं बल्कि वो इसको अपनी फैमिली में ही सीखते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट से अपने फादर से इन लोगों से ये लोग सीखते हैं हिज फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग आवर पीपल तो उसके फादर का नाम जो यानी आर नाथ के फादर का नाम कौन क्या था रोशन नाथ जी तो और वो काफी फेमस थे लोगों के बीच बीच में ही कुड ईजली कैप्चर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइजनस स्नैक्स वो बड़ी आसानी से बहुत सारे पॉइजनस स्नैक्स को पकड़ सकते थे जहरीले सांपों को पकड़ सकते थे दिस चैप्टर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द स्नैक चार्मर्स एंड द स्नैक्स ये जो चैप्टर है ये हम लोग को स्नैक चार्मर और स्नैक के बीच का रिलेशन समझने में हेल्प करता है स्टोरी ऑफ आर्यनाथ्स ग्रैंड फादर आरनाथ के ग्रैंड फादर की यानी कि पिताजी के पिताजी यानी कि पापा के पापा की स्टोरी हम लोग देखते हैं ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर हैव ऑलवेज बीन सपेराज आरनाथ के ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड फादर ठीक है वो दोनों ही क्या थे सपेराज स्नेक चार्मर स्नेक्स ऑलवेज प्लेड, प्लेड, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ उनकी लाइफ में स्नेक्स ने हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तो हमें यहां पर एक फैमिली ट्री भी दिखाई दे रही है अगर हम ध्यान से देखें तो उसे हम बना सकते हैं जैसे आरनाथ के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। और उनके जो सन है वो कौन से क्या हो गए आरनाथ के ग्रैंडफादर इसके बाद आते हैं आर नाथ के फादर ठीक है और इसके बाद आते हैं आर्यनाथ अब हमें यहां दो लोगों का नाम पता एक तो आर्यनाथ का और उसने अपने ग्रैंडफादर का भी नाम बताया है रोशन नाथ ठीक है तो ग्रेट ग्रैंडफादर फिर रोशन नाथ जी हो गए जो जो कि उसके ग्रैंडफादर हैं और फिर उसके फादर हुए और फिर आरनाथ अब ये जो एक लेवल इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन ठीक है तो ये पहला जनरेशन हो गया सेकेंड जनरेशन हो गया फिर थर्ड जनरेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन हो गया ऐसे जनरेशन या फिर हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं पीढ़ी ठीक है तो जैसे एक पीढ़ी है अगली पीढ़ी फिर नेक्स्ट पीढ़ी फिर नेक्स्ट पीढ़ी इस तरह से चलती आ रही है तो ये एक तरह का फैमिली ट्री फैमिली चेन बन रहा है स्नेक्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ दे यूज टू ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज इन बैम्बू बास्केट कैरिंग देयर स्नेक्स तो वो बैम्बू बास्केट में स्नेक्स को लेकर के कैरी करते थे ठीक है स्नेक्स को लेकर के बैंबू बास्केट में कैरी करते थे एक विलेज से दूसरे विलेज वो जाया करते थे आप देख रहे हैं पिक्चर में ये ये है और ये जिस बास्केट में है वो वेन दे केम टू हाल्ट इन विलेज अ क्राउड गैदर्ड अराउंड वुड टेक देयर स्नेक्स आउट ऑफ देयर बास्केट और जब भी वो किसी विलेज में हॉल्ट लेते थे यानी कि रुकते थे तो उनके चारों ओर एक भीड़ इकट्ठी हो जाए करती थी और ये जो भीड़ थी ये क्यों आती थी ताकि उनका शो देखने के लिए वो जो स्नेक से रिलेटेड जो शो दिखाते थे अपना उसी को देखने आती थी और तब ये क्या करते थे तो ये अपने जो बास्केट बैंबू बास्केट में जो स्नेक रखे रहते थे फिर वो उसको निकालते थे और सभी इंजॉय करते थे खासतौर तो से बच्चे तो बहुत इंजॉय करते थे उस शो को पीपल वुड स्टे ऑन इवन आफ्टर द शो हैड एंडेड जब शो खत्म हो जाता था उसके बाद भी लोग रुके रहते थे द न्यू देअर वर वराइटी ऑफ मेडिसिन फॉर देम इन देयर टिन बॉक्स क्योंकि उनको पता था कि जो ये स्नेक चार्मर है इनके पास एक टिन बॉक्स है और टिन बॉक्स में बहुत सारा क्या है मेडिसिन उनके उसके उनके टिन बॉक्स में बहुत सारे मेडिसिन होते थे अभी मेडिसिन कैसे आते थे इनके पास दीज मेडिसिन वर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाउंड इन द वुड तो ये जो मेडिसिन होते थे ये वुड में जो प्लांट वुड यानी कि फॉरेस्ट जंगल में जो प्लांट होते थे वहां से आता था ये सारे मेडिसिन ठीक है ये जो स्नैक्स चार्मर्स थे ये लोग सांप पकड़ने के लिए अक्सर जंगल में जाया करते थे तो जब जंगल में जाते थे तो अपने साथ कुछ जड़ी बूटियों को कुछ प्लांट्स को भी लेते आते थे जो कि मेडिसिन के रूप में काम करती थी इसीलिए इनके पास बहुत सारी मेडिसिन होती थी ऑल ऑफ दीज है तो ये सभी कुछ जो जानकारी है ये सभी आरनाथ के गैसे मिली थी उनके फादर से यानी कि आरनाथ के ग्रेट ग्रैंड फादर से इवन दो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार अवे ही गुड अबाउट बींग एबल टू हेल्प पीपल विद दिस मेडिसिन तो ये वो जमाना था जब बहुत सारे हॉस्पिटल नहीं होते थे बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं होते थे ऐसे में होता क्या था कि इन लोगों के पास जो मेडिसिन होती थी उनकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि ये मेडिसिन जो गाँव के लोग थे उनको मेडिसिन देते थे क्योंकि ये जो स्नेक चार्मर्स थे ये गाँव के लोगों को ये मेडिसिन देते थे और उनका इलाज करते थे और लोग बहुत खुश होते थे इससे इन रिटर्न पीपल वुड गिव दैम सम मनी और फूड ग्रेन और बदले में लोग इनको क्या देते थे जब ये लोगों की हेल्प करते थे उनको दवा देकर के तो लोग उनको मनी देते थे यानी कुछ रुपए देते थे या फिर फूड ग्रेन देते थे और इससे क्या होता था ये लोग अपना जीवन आसानी से चला पाते थे सम टाइम्स द स्नेक चार्मर्स वर कॉल टू प्लेसेस वे हैड समीन बिटन बाई स्नेक्स कभी कभी क्या होता था कि स्नेक चार्मर्स को ऐसी जगह पर बुलाया जाता था जहां पर किसी को सांप ने काट लिया है तो ये लोग सांप का जो काटना होता था उसका भी इलाज करते थे फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट दे ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक पर्सन तो जो सांप के काटने का निशान होता था उससे ये लोग पता लगाने की कोशिश करते थे कि किस सांप ने काटा है फादर टॉट हिम हाउ टू रिमूव देअर पॉइजनस टीथ एज यू एज ही ग्रू ओ ओल्डर ही ऑल्सो शोड हिम हाउ टू क्लोज द स्नेक्स माउथ ऑन द पॉइजनस ट्यूब तो उसके पिता ने यानी आरनाथ के पिता ने उसको सिखाया है कि कैसे जो स्नेक्स होते हैं उनके पॉइजनस टीथ को कैसे हटाया जाता है या निकाला जाता है ठीक है अगर आपने कभी देखा हो स्नेक्स को जैसे मान लीजिए ये स्नैक है तो इसके यहां पे दो ऐसे दांत होते हैं पॉइजनस तो यही टीथ है ठीक है और इन पॉइजनस टीथ को कहते क्या है जो बड़े से दांत होते हैं इनको बोलते हैं फैंग्स एफ ए एन जी एस तो यही फैंग्स हैं ठीक है तो यही फैंग्स हैं तो ये इन फैंग्स को क्या होता है कि तोड़ना होता है अगर मान लीजिए कि स्नेक किसी को काटता है तो यही फैंग्स उसके शरीर में इंजेक्शन की तरह से चुभ जाते हैं और फिर उनके बॉडी में स्नेक पॉइजन इंजेक्ट कर देता है डाल देता है अगर हम इन इन टीथ को जो पॉइजनस टीथ है इनको तोड़ दें तो फिर ये स्नेक्स पॉइजनस नहीं रह जाते इनका पॉइजन काम नहीं करता क्योंकि ये अपना पॉइजन दूसरे के शरीर में डाल नहीं पाते तो जब तो ये स्नेक चार्मर होते हैं ये क्या करते हैं इनके इसी दांतों को जो जहरीले दांत होते हैं इन्हीं को तोड़ देते हैं वो तो इस और इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं फैंक्स अबाउट द कालबेलिया तो आइए हम लोग कालबेलिया के बारे में जानते हैं आर द एंड मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ प्लेइंग बीन दे हैव गुड नॉलेज अबाउट स्नेक्स तो कालबेलियास कौन होते हैं कालबेलियास जो होते हैं वो स्नेक चार्मर्स होते हैं यानी कि सपेरा होते हैं और वो एक चीज में मास्टर है एक आर्ट में और वो आर्ट क्या है प्लेइंग बीन वो बीन बजाने की आर्ट में मास्टर है अगर आपको ध्यान और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये बीन बजा रहा है एंड दे हैव गुड नॉलेज अबाउट स्नेक्स और उनके पास स्नेक्स से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज होती है नीस प्रैक्टिस हैव बिकम डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एज मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट टू सेव द वाइल्ड एनिमल्स पर आजकल इस तरह के जो प्रैक्टिसेस है स्नेक चार्मर की प्रैक्टिस यानी सपेरा बनना या स्नेक चार्मर बनना या सांप पकड़ के उसके शो दिखाना इस तरह के काम करना बहुत कठिन हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जंगली जानवरों को बचाने के लिए क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे कि जंगली जानवरों के अलग अलग जो पार्ट है बॉडी पार्ट्स हैं उन उसको पाने के लिए वो लोग जंगली जानवरों को मार देते थे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स की वैल्यू होती है अलग अलग जानवरों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को लिया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट का अगर हम लोग देखें तो एलिफेंट का कौन सा बॉडी पार्ट होता है टस्क को लिया जाता है ठीक है ऐसे अगर हम लोग स्नेक को देखें तो स्नेक के लिए स्नेक का मेनली जो है स्किन हो ले, लेते हैं राइनो की बात करें तो राइनो का मेनली हम लोग हॉर्न हम लोग या जो भी पोचर होते हैं वो लोग क्या लेते हैं हॉर्न लेते हैं ठीक है ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट टाइगर का या लेपर्ड हो गया तो इसका भी क्या था? इस लिया जाता है स्किन लिया जाता है ठीक है तो इसीलिए अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए मारा जाता है जो कि बहुत ही गलत है और ये करता कौन है ये करते हैं हंटर्स या पोचर पोचर भी कहते हैं इनको ठीक है हंटर्स करते हैं या पोचर करते हैं पीपल यूज टू कैच द स्नेक्स एंड किल them फॉर देयर skins. तो लोग क्या करते थे कि स्नेक्स को पकड़ लेते थे और उनको उनके स्किन के लिए मार देते थे तो इन्हीं सब वजह से गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि भाई अब कोई जंगल में जाकर जंगली जानवरों को पकड़ नहीं सकता अब इसका असर स्नेक चार्मर्स के ऊपर भी हुआ अब उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है कालबेलिया नेवर डिट सच थिंग्स मोर एवर स्नेक्स आर लाइक ट्रेजर्स टू देम कालबेलिया लोग जो होते हैं लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते वो सांप को नुकसान पहुंचाते नहीं उनको मारते नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कालबेलिया अपना जो पैसा है वो कैसे कमाता है जब सांप का शो दिखाता है तो अगर वो सांप को मार देगा तो उसका शो कैसे दिखा पाएगा इसलिए कालबेलिया सांप को नहीं मारते हैं इसके अलावा ये बात भी है कि वो उसको ट्रेजर की तरह रखते हैं ट्रेजर का मतलब होता है खजाना तो उनके लिए जो कालबेलिया लोग हैं इनके लिए जो सांप होते हैं वो बहुत कीमती चीज़ है दे यूजली गिफ्ट अ snake वेन their डॉटर इज़ मैरिड वो जनरली जब भी उनके यहाँ बेटी की शादी होती है या लड़कियों की शादी होती है तो उनके साथ सांप को गिफ्ट के रूप में भेजते हैं अब जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जब लड़कियों की शादी होती तो उनके साथ कुछ कीमती गिफ्ट दिए जाते हैं तो जब सांप को लड़कियों के साथ दे रहे हैं इसका मतलब ये हुआ वो सांप को बहुत कीमती मानते हैं एक बहुत कीमती चीज़ मान रहे हैं इसलिए लड़की के साथ गिफ्ट में सांप दे रहे हैं ठीक है तो इससे ये पता चलता है कि वो सांप की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं सांप को कितना कीमती मानते हैं देयर कल्चर रिवॉल्व्स अराउंड स्नेक्स दे परफॉर्म द कालबेलिया डांस विच हैज मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक तो इनका जो कल्चर होता है इनका जो भी दिन भर का काम है ये स्नेक्स के अराउंड ही होता है कभी स्नेक्स को पकड़ना कभी उनकी रखवाली करना कभी उनको कुछ खाने का भोजन उपलब्ध कराना यही सब काम इनका होता रहता है दिन भर और ये लोग एक खास तरह का डांस भी करते हैं जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं कालबेलिया डांस कहते हैं और इसको काल इस जो कालबेलिया और ये जो कालबेलिया डांस है इसमें कुछ खास तरह के मूवमेंट होते हैं जो कि वैसे होते हैं जैसे कि स्नेक्स के मूवमेंट होते हैं आप देख सकते हैं पिक्चर में कालबेलिया डांस का एक पिक्चर यहां लगा हुआ है स्नेक चार्मर्स बीन पार्टी अब स्नेक चारमर्स की बीन पार्टी के बारे में जानते हैं द कालबेलिया कम टूगेदर टू हैव बीन पार्टीज तो कालबेलिया जो है लोग जो हैं वो एक साथ आते हैं ताकि वो बीन पार्टी कर सके दे शो केस दे आर स्किल्स इन प्लेइंग द बीन अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बीन तो आप लोग समझ ही रहे हैं अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं तो ये एक बीन की फोटो है जो कि मेनली स्नेक चार्मर्स के पास ही होती है एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये लोग जो एक साथ आते हैं उसका मेन पर्पज़ ये है कि ये लोग अपना स्किल दिखाते हैं अपना टैलेंट दिखाते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा बीन बजा सकता है एक तरह का फ्रेंडली मैच होता है आपस में कि देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा बीन बजा सकता है और आपस में प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि और अच्छा जितना भी जानते हैं ये लोग उससे अच्छा बजा सकें और इनके लिए एक तरह का सेलिब्रेशन भी है द बीन पार्टी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ देयर कल्चर एंड कनेक्शन टू द स्नेक्स तो जो बीन पार्टी होती है वो उनके लिए एक तरह का सेलिब्रेशन है अपने कल्चर से जुड़ने का और स्नेक से जुड़ने का दिखाते हैं कि वो किस तरीके से स्नेक से जुड़े हुए हैं अच्छा अब यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र आया है तो एक बात और बताता चलूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है वो कौन सी तीन कैटेगरीज हैं जैसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है परकूशन ठीक और दूसरी कैटेगरी है स्ट्रिंग और तीसरी कैटेगरी है ब्लो परकूशन का मतलब परकूशन मतलब ऐसा कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक बॉक्स के ऊपर चमड़ा लगाकर फिर उसको पीटते हैं तो उससे आवाज निकलती है जैसे कि हो गया तबला ढोलक ड्रम ये सब किसमें आते हैं परक्यूशन में ठीक है उसके बाद होता है और भी ऐसे बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बता दिया इसके बाद होते हैं फिर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में क्या होती है एक तार लगी होती है जिसको छेड़ने से टच करने से आवाज आती है जैसे इसमें आ गया गिटार सितार वायलिन ये सब किसमें आ गए स्ट्रिंग में आ गए ठीक है ब्लो ब्लो का मतलब यह है कि इसमें फूकने से हवा फूकने से आवाज निकलती है क्या क्या इसमें आ गया जैसे फ्लूट बीन ट्रम्पेट ठीक है ये सारे ब्लो में आते हैं तो मेनली हम इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और बीन जो आप देख रहे हैं वो ब्लो में आता है कालबेलिया डांस तो आइए अब हम कालबेलिया डांस के बारे में जानते हैं कालबेलिया डांस इज अ कालबेलिया कम्युनिटी इन राजस्थान ट्रेडिशनल मतलब जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है उसे हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं और जो हमने बिल्कुल नया नया दे सीखा है कहीं से बाहर से तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न ठीक है तो ट्रेडिशनल जो डांस है एक तरह का ये और ये कहाँ होता है ये कालबेलिया कम्युनिटी करती है तो कालबेलिया कम्युनिटी करती है इसलिए इसका नाम पड़ गया कालबेलिया डांस और किस एरिया में होता है राजस्थान में इंडिया के राजस्थान में अभी फोक डांस का क्या मतलब होता है फोक डांस फोक डांस का मतलब होता है ऐसा कोई डांस जो किसी छोटे से एरिया में होता हो या कुछ ही लोग करते हो तो उसको हम लोग फोक डांस कहते हैं तो कालबेलिया जो है राजस्थान का फोक डांस कहा जा सकता है जो कि कालबेलिया कम्युनिटी करती है इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द स्नेक चार्मर्स डांस इसको अक्सर स्नेक चार्मर्स डांस कहते हैं या सपेरा डांस या सपेरा नृत्य कह सकते हैं क्यों कहते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेसफुल मूवमेंट्स इंस्पायर्ड बाई द सरपनटाइन मोशन ऑफ स्नेक्स क्योंकि इसके जो मोशंस होते हैं इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो वैसे कुछ होते हैं जैसा जैसा कि सांप का मूवमेंट होता है तो इसी कारण से इसका नाम स्नेक चार्मर्स डांस या सपेरा डांस है फोक डांस ऑफ सम अदर स्टेट तो अभी हमने फोक डांस के बारे में सुना कि जो लोकल नृत्य होते हैं किसी जगह पर लोकल डांस उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फोक डांस बोलते हैं तो कुछ स्टेट्स के फोक डांस आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या है कथक है रसिया है ठीक है महाराष्ट्र लामनी पोवाड़ा बिहार में क्या है जट जटिन झूमर वेस्ट बंगाल में क्या है बाउल गौड़िया नृत्य मध्य प्रदेश में क्या है गौर मटकी डांस राजस्थान में क्या है घूमर कालबेलिया कर्नाटका में क्या है यक्षगान डोलू कुथा गुजरात में गरबा डांडिया रास आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी लंबड़ी उड़ीसा में उड़ीसी छऊ डांस अब इसमें से कुछ डांस ऐसे भी हैं जो कि क्लासिकल में आते हैं अब क्लासिकल डांस क्या होता है ये हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे जैसे कि कथक जो है इसमें फोक में लिख दिया है लेकिन वो क्लासिकल में आता है इसके अलावा ओडिसी भी लिख दिया है ये भी क्लासिकल में आता है कुचिपुड़ी भी क्लासिकल में आता है ठीक है ये सब क्लासिकल में आते हैं लेकिन बाकी डांसेस सारे क्या हैं फोक डांसेस ठीक है अब क्लासिकल डांस क्या होता है ये हम लोग कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे हाउ तो हमने देखा स्नेक चार्मर्स के बारे में कालबेलिया ट्राइब के बारे में कालबेलिया डांस के बारे में अब हम लोग जानते हैं स्नेक्स के बारे में और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि स्नेक्स कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं दे कैन कीप दूर रख सकते हैं. कैसे क्यों क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो चूहों को खाते हैं इससे क्या होता है कि वो चूहों को पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं फर्दर मोर सम स्नेक्स आर हार्मलेस टू ह्यूमन प्रे ऑन पॉइजनस स्नेक्स साथ ही कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जो कि इंसान के लिए खतरनाक नहीं होते हैं और वो जहरीले सांपों को जो कि इंसान के लिए खतरनाक होते हैं उनको खा जाते हैं इस तरीके से वो फिर से इंसान की हेल्प करते हैं स्नेक्स कैन एड इन द कंट्रोल ऑफ रैड पॉपुलेशन स्नैक्स जो होते हैं रैड्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकते हैं रैड्स की जनसंख्या कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकते हैं द एडवांटेज ऑफ स्नेक्स आर वर्ल्ड तो दुनिया के कुछ हिस्सों में अब स्नेक्स का एडवांटेज को पहचान मिल रही है लोग स्नेक्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्टिंग आइए हम लोग स्नेक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं ओनली फोर ऑफ द न्यूमरस स्नेक स्पीसीज दैट कैन बी फाउंड इन आवर नेशन आर पॉइजनस हमारे देश में बहुत सारे स्नेक्स पाए जाते हैं लेकिन इसमें से केवल चार ही ऐसे हैं जो पॉइजनस होते हैं यानी जहरीले होते हैं वो कौन से हैं कोबरा कॉमन करैत रसल वाइपर जिसे दुबैया भी कहते हैं एंड सॉ स्केल्ड वाइपर जिसे की अफाई भी कहते हैं ठीक है तो अभी ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं ये इंडियन कोबरा सॉस्केल्ड वाइपर कॉमन करैत रसल वाइपर ठीक है ये चार स्नेक्स हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक है ये चार स्नेक्स हैं जो कि पॉइजनस होते हैं ठीक है कौन से इंडियन कोबरा सॉ स्केल वाइपर कॉमन करैत रसल वाइपर टू ऑफ द स्नेक्स टीथ्स आर हॉलो तो अब ये बताया जा रहा है स्नेक्स के टीथ के बारे में तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो हमने पहले चर्चा की है कि स्नेक्स के दो टीथ ऐसे होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं और इन तीत को क्या बोलते हैं फैंक्स एफ ए एन जी एस फैंक्स ठीक है तो ये जो टीथ होते हैं ये हॉलो होते हैं इसमें अंदर से छेद होता है उसमें क्या भरा होता है पॉइजन जिसे हम लोग वेनम भी बोलते हैं स्नेक को पॉइजन को वेनम भी बोला जाता है जहर ठीक है और जब वो किसी को काटता है तो इन दांतों में जो भरा हुआ पॉइजन या वेनम होता है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है छोड़ देता है इससे उसके बॉडी में जहर चला जाता है द पॉइजन इज इंजेक्टेड इन टू बॉडी थ्रू द फैंग्स वैन इट बाइट तो जब ये जब ये बाइट करता है काटता है तो फैंग्स के थ्रू जो जहर शिकार के शरीर में डाल देता है फॉर स्नेक्स बाइट देयर इज अ मेडिकेशन पर अच्छी बात यह है कि स्नेक्स जो काटते हैं उनके काटने की दवा उपलब्ध होती है ऑल पब्लिक हॉस्पिटल्स सेल द मेडिकेशन विच इज डिराइड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन तो सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स तो पब्लिक हॉस्पिटल मतलब सरकारी अस्पताल तो सारे पब्लिक हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पतालों में स्नेक के पॉइजन की यानी स्नेक के काटने की दवा मिलती है और ये दवा बनती किससे है? ये फिर से बनाई जाती है स्नेक के पॉइजन से ही तो ये स्नेक पॉइजन से ही उसकी दवा बनती है ठीक है यानी स्नेक पॉइजन कहिए या स्नेक वेनम कहिए तो स्नेक के वेनम से ही स्नेक काटने की दवा बनाई जाती है वर्ल्ड स्नेक डे किस दिन बनता है सिक्सटीन जुलाई को तो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है कि आप पता लगा कर बताइए कि इस साल वर्ल्ड स्नेक डे का थीम क्या था और कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं च म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विथ द कालबेलिया कम्युनिटी कालबेलिया कम्युनिटी के साथ कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है सितार तबला हारमोनियम आंसर आप सबको पता है आंसर है बीन वॉट डिड द पीपल गिव टू आरनाथ फैमिली इन रिटर्न फॉर देअर मेडिसिन तो लोग आर्यनाथ की फैमिली को क्या देते थे उनकी जो मेडिसिन थी उसके बदले में मनी और फूड ग्रेन ज्वेलरी और क्लॉथ स्नेक्स एज गिफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्लेइंग बीन तो वो देते थे मनी और फूड ग्रेन वॉट डिद आरनाथ फादर टीच हिम एज ही ग्रू ओल्डर तो आरनाथ के फादर ने उसको क्या सिखाया जब वो थोड़ा बड़ा हुआ हाउ टू कैच स्नेक्स हाउ टू प्ले द बीन हाउ टू रिमूव पॉइजनस टीथ फ्रॉम द स्नेक्स How to dance like a snake? तो इसका आंसर है How to remove poisonous teeth from snakes? Why are snake charmers facing difficulties in practicing their traditions nowadays? Snake charmers अपनी परदिशन को प्रैक्टिस करने में आजकल मुश्किल क्यों आ रही है? जनरेशन नए लोग जो आ रहे हैं वो ये सब काम नहीं करना चाहते गवर्नमेंट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है सरकार ने बहुत सारे नियम बना दिए हैं जंगली जानवरों को बचाने के लिए डिक्रीज डिमांड फॉर स्नेक चार्मर परफॉर्मेंस अब लोग स्नेक चार्मर का जो शो है उसको देखना नहीं चाहते शॉर्टेज ऑफ स्नेक्स इन द वाइल्ड जंगल में सांपों की कमी हो गई है इसका सही आंसर है गवर्नमेंट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट ने नए नियम बना दिए जंगली जानवरों को बचाने के लिए विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विदबेलिया कम्युनिटी कालबेलिया कम्युनिटी के साथ कौन सा डांस फॉर्म जुड़ा हुआ है भांगड़ा कथक कली कालबेलिया डांस ओडिसी तो नाम देखकर ही आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर ये है कालबेलिया डांस हाउ कैन स्नेक्स भी यूजफुल टू ह्यूमन्स स्नेक्स जो है वो ह्यूमन्स के लिए यूजफुल कैसे हो सकते हैं दे कैन कंट्रोल रेड पॉपुलेशन दे कैन प्रोवाइड इंटरटेनमेंट थ्रू स्नेक चार्मर्स दे कैन भी यूज फॉर मेकिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन दे कैन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्राम बेस्ट तो कैसे स्नेक यूजफुल हो सकता है इसका आंसर है दे कैन कंट्रोल रेड पॉपुलेशन वो रेड की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक स्पीसीज इज नॉट पॉइजनस इनमें से कौन सा स्नेक जो है पॉइजनस नहीं है जहरीला नहीं है कोबरा कॉमन करैत रसल वाइपर पाइथन इन चारों में से कौन सा पॉइजनस नहीं है आंसर है पाइथन इज द मेडिकेशन फॉर स्नेक्स बाइट डिराइव फ्रॉम जो सांप काटता है उसकी दवा कहां से बनाई जाती है किस चीज से बनाई जाती है स्नेक वेनम, स्ने, स्नेक, स्किन, स्नेक स्केल्स स्नेक सलाइवा आंसर है इसका स्नेक वेनम तो फ्रेंड्स यहां पर मेरा वीडियो समाप्त होता है अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए जिसको भी जरूरत हो उसके साथ शेयर करिए साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अगर आपके पास अपना कोई सुझाव या कुछ पूछना चाह रहे हैं जो आपको इस वीडियो में समझ ना आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स